नमस्कार, मैं मीनाक्षी माथुर अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में सीटी डायलॉग्स में नृत्य विधा पर एक ज्ञानवर्धक रोचक चर्चा लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और मैं सिटी लाइव चैनल, संस्था कला मंजर और संस्था से ओवर सिटी की ओर से आप सभी दर्शकों का और हमारे पैनलिस्ट वरिष्ठ नृत्य गुरुओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब अभी देख रहे हैं कि समूचा विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है, चारों ओर हताशा और निराशा का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम खुद भी सकारात्मक रहें और अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक रखें, और इस सब के लिए नृत्य से सुंदर विधा और क्या होगी। नृत्य आत्मा की भाषा है, नृत्य वो सुंदरतम कला है जो मनुष्य के भीतर के सारे अवगुणों का नाश करती है और उसके हृदय को सकारात्मक ऊर्जा से भर के उसके मन को प्रसन्न रखती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम ये भी बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, जीन जॉर्ज नेवेरा नाम से एक सुप्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय नर्तक हुए हैं, वो कला नृत्य जगत के सुधारक भी माने गए हैं। उनका जन्मदिन 29 अप्रैल को आता है और उन्हीं की स्मृति में यूनेस्को ने 1982 में ये घोषणा की कि 29 अप्रैल को प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से दुनिया के कई देश अपने अपने सांस्कृतिक रंगों से इस दिवस को मनाते आए हैं और हम भी मना रहे हैं। तो आज की हमारे जो हमारे पास पैनल है, हमारे पास पैनल में आज बहुत ही वरिष्ठ नृत्य गुरु शामिल हैं। अगर मैं कहूँ तो इन्होंने अपना सारा जीवन नृत्य की साधना में समर्पित कर दिया है और जो ज्ञान का खजाना इन लोगों के पास है, आज हम उसी खजाने का एक हिस्सा इनसे अपने लिए मांगने जा रहे हैं और इनका अनुभव अपने साथ साझा करने जा रहे हैं। तो मैं आपको इनका परिचय भी करवा दूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रेम दवे मैम का आपसे परिचय करवाने जा रही हूं। वरिष्ठ नृत्य गुरु डॉक्टर प्रेम दवे जी नृत्य और संगीत दोनों विधा में आपको दिलीप की उपाधि प्राप्त है। आपने कथक नृत्य में पीएचडी करी है। इसके साथ ही आपको नृत्य विधा में नृत्य प्रवीण, नृत्य प्रभाकर, नृत्य विशारद, नृत्य भूषण जैसी उपाधियां मिली हैं और भी अनेक प्रसिद्ध अवार्डों से आप सम्मानित हैं। इसके साथ ही मैम डेजर्ट ग्रुप, आज घर आउसा, इंडानी जैसे म्यूजिक एल्बम भी निकाल चुकी हैं। मैम ने 4 पुस्तकें भी लिखी है और कई लेख भी लिखे हैं जो अंतरराष्ट्रीय मैगजीन में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर प्रेम दवे मैम टीवी आर्टिस्ट और रेडियो आर्टिस्ट और अनाउंसर के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बड़े नृत्य समारोह में प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ ही मैम ने विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में नृत्य और संगीत विधा पर व्याख्यान प्रदर्शन दिए हैं और इसके साथ ही मैम ने भी इसी क्षेत्र में पीएचडी गाइड के रूप में भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और आज कई पीएचडी छात्र मैम से प्रशिक्षण ले चुके हैं और कई विश्व प्रोजेक्ट जो कि संगीत अनुसंधान से संबंधित हैं उनकी सलाहकार भी मैम रही हैं। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूंगी कि मैम ने पंडित कुंदन लाल गंगानी जी और पंडित गौरी शंकर जी के साथ साथ पंडित गिरधारी महाराज जी से भी नृत्य का प्रशिक्षण लिया है। अब मैं बात करूंगी उषाश्री मैम की। उषाश्री मैम अपने जीवन के 70 साल नृत्य और अभिनय को दे चुकी हैं और अभी भी बेहद सक्रिय हैं। मैम को श्रृंगार शिरोमणि, नृत्य शिरोमणि, कला शिरोमणि, कला मर्मज्ञ जैसी उपाधियां प्राप्त हैं। उसके साथ ही मैम को राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।
और मैम न केवल नृत्य के क्षेत्र में बल्कि फिल्म में, टीवी सीरियल्स में, शॉर्ट मूवीज में भी बहुत सक्रिय रूप से कार्य करती रही हैं। इसके अलावा मैम स्वयं भी विदेशों में राजस्थानी नृत्य का समूहों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। गणतंत्र दिवस पर जो राष्ट्रीय परेड होती है उसमें, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में राजस्थानी नृत्य समूहों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नृत्य गुरु डॉक्टर गीता रघुवीर जी की। मैम ने डांस में ही पीएचडी किया है और आप वरिष्ठ नृत्य गुरु बाबूलाल पाटनी जी की शिष्या हैं। मैम भी देश विदेश के कई बड़े मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं और अपने नृत्य समूह भी ले जा चुकी हैं। अपने छात्र जीवन में मैम को अनेक बार सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना का अवार्ड मिला है। 1971 में ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भोपाल में मैम को श्रीमती गिरजा देवी से विशेष सम्मान मिला। वर्ष 2000 में मैम महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं और 2016 में ब्रिज सुर मंडल से भी सम्मानित हो चुके हैं। मैम ने भी कथक विधा पर 4 पुस्तकें लिखी हैं। इसके अलावा वर्तमान में मैम निर्धन बस्ती के बच्चे और शारीरिक मानसिक दिव्यांग बच्चों के साथ में नृत्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और बोध शिक्षा समिति अक्षर उमंग दिशाओं से जुड़ी हुई हैं। तो ये तो बहुत छोटा परिचय दिया मैंने हमारे तीनों वरिष्ठ नृत्य गुरुओं का, क्योंकि इनकी जीवन भर की साधना पर अगर हम बात करें तो शायद हम पूरी एक किताब लिख देंगे। लेकिन अब मैं अपनी चर्चा के विषय पे आना चाहूंगी और हमारी आज की चर्चा का विषय है लोक वैश्य शास्त्रीय नृत्य शैलियों का संरक्षण, समय की जरूरत। और इसी विषय पे मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रेम दवे मैम से ही जानना चाहूंगी कि मैम आप इस विषय पे प्रकाश डालें कि हमारे भारतीय नृत्य विधा का इतिहास क्या है और समय के अनुसार इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। वरिष्ठ नृत्य गुरु डॉक्टर प्रेम दवे मैम, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी मेरी? मैम, जी मैम, हाँ, नमस्कार प्रिय मीनाक्षी जी एवं अनु जी, सेव आर सिटी एवं कला मंजर के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर इंडिया डांस फेस्ट और नृत्य परिचर्चा के आयोजन के लिए, और वो भी इस कोरोना काल में, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप सभी लोग ऐसी परिचर्चा और नृत्य फेस्ट को इस वक्त आयोजित करने के लिए साधुवाद के पात्र हैं। मेरा विषय, जैसा कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया, मुझे दिया गया है कि नृत्य विधा का इतिहास, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं और उसमें क्या परिवर्तन आए उस पर प्रकाश डालूं। नृत्य की उत्पत्ति के विषय में कोई प्रामाणिक ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि नृत्य की उत्पत्ति मानव के उत्पत्ति के साथ ही हुई होगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, वो किसी ना किसी रूप से नृत्य से जुड़ा हुआ रहा है। नृत्य मनुष्य की जीवन की सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहले आदि काल में मनुष्य सारा दिन जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता था, और जब वो रात को लौटता शिकार करके, तो प्रसन्न होकर और अपने हाथ पैरों को ऊपर नीचे आगे पीछे आड़े तिरछे चला चला कर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता था, और इसी तरह से नृत्य का विकास होता गया। पहले मनुष्य संकेतों द्वारा ही अपनी बात को एक दूसरे से कहता था, और यही संकेत मुद्राओं के रूप में
आगे चलकर विकसित हुए। उस व्यक्ति ने अपने शारीरिक अंग लय ताल में चलाने शुरू किए, विषयानुकूल हाव भाव करने और आंतरिक अनुभूतियों को व्यक्त करने लगा, जिससे कि विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति होती थी। अपने भावों का इजहार सिर्फ मनुष्य ही नहीं करते, पशु पक्षी भी अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं। हम देखते हैं कि जब मोर बहुत प्रसन्न होता है तो वो नृत्य करने लगता है। आदि मानव ने प्रकृति के विभिन्न रूपों से डर कर उन्हें प्रसन्न करने हेतु प्रकृति के विभिन्न जो स्वरूप हैं उनकी वो पूजा करने लगा, जैसे कि अग्नि, हवा, वरुण, इन सबके आकाश, पृथ्वी, सबकी वो पूजा अर्चना करने लगा। हिंदू पुराणों के अनुसार नृत्य का उदय आदिदेव भगवान शिव और माता पार्वती से माना जाता है। भगवान शिव ने पुरुष प्रकृति के आधार पर तांडव नृत्य और माँ पार्वती ने स्त्री प्रकृति के आधार पर लास्य नृत्य जन्म दिया। नृत्य का विकास मानव की सभ्यता के विकास के साथ साथ हुआ। भगवान शिव से सोलो यानी एकल नृत्य, भगवान शिव और पार्वती से जुअट यानी युगल नृत्य, और रसेश श्री कृष्ण से सामूहिक नृत्यों का विकास हुआ, क्योंकि भगवान शिव का संबंध तांडव से, माँ पार्वती का लास्य से और श्री कृष्ण का रास नृत्य से संबंध है और रास ग्रुप में किया जाता है, इसलिए श्री कृष्ण से ग्रुप डांस की उत्पत्ति या विकास माना जाता है। वेदों में जीवन को नृत्यमय बनाए रखने की कल्पना की गई है। वेदों की गणना संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में की जाती है और नृत्य का विकास वेदों से भी पूर्व माना जाता है। वेदों से प्राप्त नृत्य संबंधी उल्लेखों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वेदों की रचना से पूर्व ही नृत्य अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र में वर्णित सूक्ष्म विश्लेषणों के आधार पर यह सहज ही कहा जा सकता है कि नृत्य कला शास्त्रबद्ध होने से पूर्व ही अत्यंत व्यापक और समुन्नत हो चुकी थी। नाट्यशास्त्र में नृत्य का सर्वोत्तम रूप दिखाई पड़ता है। अगर हम नाट्यशास्त्र का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि नृत्य की छोटी से छोटी चीज पर प्रकाश डाला गया है। जैसे अगर हम आंख की बात करें तो नेत्रों का संचालन, भौं का संचालन, आईब्रोज का संचालन, ये आईलेट्स का संचालन, पलकों का संचालन, होठों का संचालन, सभी पर बहुत सूक्ष्म रूप से प्रकाश डाला गया है। नृत्य का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मनुष्य जाति का। नृत्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसका उदाहरण आदिम जातियों के नृत्य है। नृत्य का धर्म व आध्यात्म से गहन संबंध रहा है। भगवान श्री कृष्ण का रास नृत्य और कालियामर्दन, शंकर भगवान का गजासुर वध, विष्णु का भस्मासुर वध, अभिनायक अर्जुन और रामायण के हनुमान जी महान नृत्यकार थे। नृत्य का इतिहास बहुत प्राचीन है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त नृत्य करती हुई मूर्तियां इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, भुवनेश्वर आदि स्थानों की प्राचीन मूर्तियों को देखने से विदित होता है कि पाषाण काल और धातु काल की आर्य जाति
अपने कल्पित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मूर्तियों के आगे नृत्य करती थी। बाघ गुहा के भित्ति चित्रों में महिलाओं के सामूहिक और मंडलाकार नृत्य अंकित हैं। दक्षिण में चिदंबरम के नटराज मंदिर में कला मूर्तियों की भरमार। मौर्य और गुप्त काल में भी नृत्य प्रचलन का विवरण प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण तैतिरीय संहिता और मित्रायणी संहिता में भी नृत्यों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, गांधर्ववेद सभी में नृत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा से पूर्व ही भारत में नृत्य कला ने उत्कर्ष के उस चरम बिंदु को छू लिया था कि उस पर नाट्य शास्त्र जैसे विशद ग्रंथ की रचना हो सके। वेदों के बाद पौराणिक साहित्य में भी नृत्य विषयक अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जैसे शिव पार्वती, राधा कृष्ण, अर्जुन सुभद्रा, सत्यवान, सावित्री, इंद्र, विष्णु आदि के नृत्य। भारत में अनादिकाल से नृत्य का प्रचलन है। रामायण, महाभारत, भारत, महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र, वात्सायन कृत कामसूत्र तथा जैन और बौद्ध ग्रंथों में नृत्य की परंपरा देखने को मिलती है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में उल्लेख मिलता है कि राम के जन्म के समय राजपथ पर नट नर्तकों की भीड़ लगी हुई थी। महाभारत के विराट पर्व में अर्जुन ने कहा है कि हे नरदेव, मैं गाना, नाचना और बजाना जानता हूं, मैं नृत्य में निपुण हूं, मैं गान में भी कुशल हूं, इसलिए मुझे उत्तरा के घर में रहने की आज्ञा प्रदान की जाए, मैं राजपुत्री को नृत्य और गायन की शिक्षा दूंगा। बौद्ध काल में भी नृत्य व नर्तकी की समाज में इतनी प्रतिष्ठा थी कि सिद्धार्थ यानी भगवान बुद्ध के लिए गणिका के समान कुशल वधू की मांग की गई थी। इससे सिद्ध होता है कि उस काल में गणिका का समाज में एक आदरणीय स्थान था। वैशाली की आम्रपाली संगीत व नृत्य की साक्षात मूर्ति थी। गुप्त काल में कला, साहित्य एवं संगीत उन्नति की तमाम ऊंचाइयों को छू चुका था। नाट्य शास्त्र की रचना इसी काल में हुई है, ईसा पूर्व 2 से 5वीं शताब्दी। जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सन 1025 में, उस वक्त मंदिर में सैकड़ों की संख्या में नृत्यांगनाएं थी। सन 1223 के में उपलब्ध एक आलेख में लिखा है कि उस समय सोमनाथ मंदिर में 500 नृत्य विदों की नियुक्ति थी। मंदिरों से नृत्य दरबारों में आया, मुगल दरबारों और राज दरबारों में। मंदिरों के पश्चात दरबारों और दरबारों के बाद जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो नृत्य में भी परिवर्तन हुआ और कुछ पश्चिमी नृत्यों का चलन बढ़ने लगा। शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, छऊ आदि का शास्त्रीय स्वरूप लोक शैलियों से ही विकसित हुआ है। भारतीय नृत्यों में वह सब कुछ है जो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भारतीय नृत्यों के द्वारा व्यक्ति का धार्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में विकास हो सकता है, क्योंकि भारतीय नृत्यों में जीवन का दर्शन है, मर्यादा है और संस्कार है। सभी शास्त्रीय और लोक शैलियों में समयानुसार परिवर्तन हुए हैं, जिनमें से अधिकांश
समसामयिक परिवर्तन है। परिवर्तन को अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है जिसे होना ही चाहिए और होता भी है। आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं मीनाक्षी जी, अनु जी, समस्त कार्यकर्ताओं और श्रोताओं के हृदय से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत विस्तार से हमें इतिहास बताया। कई बातें तो हमें भी नहीं पता थी, जैसे एकल नृत्य की शुरुआत शिव जी के तांडव से हुई, सामूहिक नृत्य की शुरुआत कृष्ण जी के रास नृत्य से हुई। बेहद सुंदर बातें हमें पता चली। इसमें आपने हमें ये चीज भी बताई कि नृत्य मंदिरों से उठकर के राज दरबारों में आया, मुगल दरबार में आया, फिर अंग्रेजों के आने से इसमें पाश्चात्य शैलियों का भी मिश्रण हुआ। ये बात भी आपने बहुत अच्छी बोली मैम कि समय अनुसार परिवर्तन हमेशा अच्छा होता है, अनुचित नहीं होता। लेकिन यदि हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में हमारी जो लोक और शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, इनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, इनका जो व्यवसायीकरण हो रहा है, जो पश्चिमीकरण इसमें जरूरत से ज्यादा हो गया है, मतलब इनकी मूल शैलियों से काफी छेड़छाड़ हो रही है। तो मैम हम लोग इस बात पे भी चर्चा करना चाहेंगे और इसके लिए मैं उषा श्री मैम के पास आना चाहूंगी और मैं उषा श्री मैम से ये जानना चाहूंगी कि ये लोक नृत्यों और शास्त्रीय नृत्यों में जो पिछले कुछ दशकों में परिवर्तन आया है और इनकी मूल शैलियों के साथ छेड़छाड़ हुई है और इसमें पाश्चात्य नृत्यों का भी साथ में समावेश कर दिया गया है, वो कितना उचित है कितना नहीं है, और इस पर थोड़ा विस्तार हमको संक्षिप्त में मैम बताएं, और इनके संरक्षण के लिए भी क्या किया जा सकता है ये भी बताएं। उषा श्री मैम। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत आभार मीनाक्षी जी का और अनु जी का कि आज उन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया, मंच पर आसीन किया। बहुत ही खुशी का दिन है आज, ही अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर आपने इतनी सुंदर रचनाओं के लिए, हमारी जो नृत्य की रचनाएं, संगीत की रचनाएं हैं, उनके लिए आपने हमारे गीता रघुवीर जी और प्रेम द्रव्य जी जैसे महारथियों को आपने यहाँ निमंत्रण दिया। और बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ आदरणीय श्रोता भी जुड़े हुए हैं, और जैसा कि शास्त्रों में लिखा हुआ, अभी रघुवीर हमारे साथ अभी प्रेम दवे जी ने बहुत कुछ बताया कि किस तरह से पुस्तकों में भी हमारी नृत्यों का समावेश है, और ग्रंथों में जिन्हें हमें शास्त्रीय ग्रंथ जो कि नृत्यों पे आधारित है, बहुत बड़ी बात है जो कि हमें अभी प्रेम दवे जी से मालूम हुई। तो मैं ये जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है कि नृत्य और संगीत, ये एक ऐसी विधा है जो कि हमारे जन्म लेते ही हमारे साथ ही शुरुआत हो जाती है। हम देखेंगे, देखिए जल में, वायु में, हवा में, किसी भी चीज में आप देखेंगे हमें तरंगे हैं। ये तरंगे जो है ये नृत्य करती है, ये तरंगे हमारे साथ में हर वक्त जुड़ी हुई है। जो नृत्य का जो हम ये समावेश जो हमने अभी प्रेम दवे जी से सुना कि किस तरह से नृत्य की उत्पत्ति हुई और किस तरह से नृत्य हर जगह समावेश रहा, नृत्य का सामूहिक नृत्य हुए, एकल नृत्य हुए, शास्त्रीय नृत्य हुए, लोक नृत्य हुए, इनकी सबकी अलग अलग शैलियां हुई और अलग अलग अपने ही तरीके से लोगों ने उन्हें अपनाया और एक रुचिकर बनाया उन्हें, अपने ही एक जिसको कहना चाहिए कि हर त्योहार पे या हर अपने एंटरटेनमेंट के लिए या अपने ही अपने अंदर ही एक खुशी जाहिर करने के लिए किस तरह से उन्होंने नृत्यों का समावेश अपने अंदर किया और अलग अलग नृत्यों का नाम दिया। और हमने जैसा कि अभी जाना कि पुराने हमारे जो भी राधा कृष्ण हुए हैं या रामचंद्र जी हुए हैं या जो हमारे भगवान जो इतने पुराने ही जमाने से हमारे नृत्य की शैलियां चली आ रही हैं, तो ये इतना बड़ा नृत्य तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे साथ में किस तरह से जुड़ा हुआ है और इसके संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पहली चीज तो ये कि शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं, लोक नृत्यों में भी शास्त्रीय नृत्यों की समावेश है और शास्त्रीय नृत्यों में भी लोक नृत्यों का समावेश है।
हर चीज हमारी राग रागनियों पर ही निर्धारित है, तो हम ये नहीं कह सकते कि लोक नृत्य हमारे अलग हैं या शास्त्रीय नृत्य अलग है। विधाएं अलग अलग हैं, शैलियां अलग अलग बना दी गई हैं। तो ये हम कथक नृत्य है, आज हमारी शास्त्रीय संगीत की शैली में भरतनाट्यम है आपका, मणिपुरी है, कथकली है, इस तरह के हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे बना दिए गए। और जगह जगह पे हम देखते हैं कि वो लोग अपनी ही विधा को राग रागनियों में पिरो के और किस तरह से सरगम में पिरो के और किस तरह से उनको वो हमारे सामने पेश करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो आज हम इस सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं कि इन विधाओं का जो आज पौराणिक काल से चली आ रही है, जो हमारी नृत्य और संगीत की विधाएं जो दरबारों में होती थी, जो अंदर जो महिलाएं बाहर नहीं कर सकती थी वो अंदर करती थी, राज दरबारों में करती थी, जैसे घूमर का समावेश है। घूमर में कहते हैं कि घूमर की शैली ऐसी थी कि उसे रानियां महारानियां सब अंदर किया करती थी, घूंघट की आड़ में करती थी, बड़ी शालीनता से करती थी। तो अलग अलग नृत्यों का अलग अलग समावेश है। हम जैसे हम राजस्थानी लोक नृत्यों में लेते हैं, राजस्थानी लोक नृत्यों में हमने देखा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे नृत्य पहुंच चुके हैं, घूमर पहुंच चुका है, चरी नृत्य पहुंच चुका है। हमारी शैलियों में जो हमारी राजस्थानी लोक नृत्यों की शैलियां हैं, गींदड़ है, चंग है, हमारी कालबेलिया जाति काफी ऊंची हमारी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य के स्तर पर पहुंच चुकी है। तो इस तरह से ये हमारे जो कई ऐसी चीजें हैं जो आज तक अभी हमारे यहाँ लोगों के सामने नहीं आई है। जैसे अभी प्रेम दवे जी ने बहुत अच्छी सारी बातें बताई, तो शायद श्रोता सुनेंगे और बहुत कुछ जानकारी भी लेंगे और अमल भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अगर आज अपने आप से ही शुरू करें कि हम जैसे ही हमारे परिवार के बच्चों को अगर हम अभी से ही उनके अंदर ये शिक्षा देनी शुरू करें कि नहीं बेटा, ये संगीत और नृत्य भी एक शिक्षा है, ये भी एक स्कूल है, ये भी एक तरह का ऐसी शिक्षा है। आज जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ पे कॉलेजेस में इनमें इनको कर दिया गया है, संगीत की कक्षाएं चलती हैं, नृत्य की कक्षाएं चलती हैं। तो देखने में ये आता है, ज्यादातर ये देखने में आ रहा है, आजकल वर्तमान की जो स्थिति है वो देखने में आ रहा है कि ऐसा लगता है कि कहीं तो बहुत अच्छा नृत्य का समावेश देखने को मिल रहा है और कहीं ऐसा हो रहा है कि कुछ शास्त्रीय नृत्य लुप्त हो रहे हैं, कहीं लग रहा है लोक नृत्य लुप्त हो रहे हैं। तो ये कुछ हम लोग अगर अपने आप से ही हम लोग शुरू करें, हर घर घर में हम लोग ये इस चीज को सिखाएं कि देखिए बेटा, ये भी एक तरह का स्कूल है, ये भी एक तरह की शिक्षा है। अगर बचपन से आपने देखा है कि साउथ के अंदर हर बच्चे को शुरू से संगीत और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। उनकी यहाँ की जो शैली है वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ की शैली वो नहीं जानते या उनकी शैली हम लोग नहीं जानते, लेकिन हमारे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियां हैं। अलग अलग शैलियों को देखने का मौका मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी सीखने का मौका मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो इसलिए ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो आज शास्त्रीय ज्ञान जो हमारे ग्रंथों में है, उनको तो इतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन जो चलत का ज्ञान है, जो आज अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे लखनऊ घराना है या बनारस घराना है या आज ग्वालियर घराना है, तो जो घरानों में नृत्य बांट दिए गए हैं, या मेरा तो मानना यह है कि नृत्य नृत्य है, वो किसी भी घराने का हो वो नृत्य है, क्योंकि वो एक ऐसे शिक्षा के प्रसंग के अंदर आता है वो, कि हम जब उसको पढ़ते हैं, उसको अपने अंग संचालन के द्वारा उसको हमारे मंच के ऊपर हम रखते हैं, तो एक देखने वालों का मन भी प्रसन्न होता है, कुछ जानकारी भी मिलती है और कुछ बच्चे आगे भी जाते हैं, कुछ बनते भी हैं, और उस शिक्षा का एक सम्मान भी होता है। तो इसी तरह से हमारे जो लोक नृत्य है उनकी शैलियों में भी यही है, आतीज है, गणगौर है, सौरठ है, मूमल है, ये जो इस तरह की चीजें हैं वो बहुत काफी लुप्त हो गई है। लोगों को मालूम नहीं मूमल क्या है, लोगों को मालूम नहीं कि सौरठ क्या है। तो इस तरह की संरक्षण के लिए मीनाक्षी जी आपने ये जो एक प्रश्न किया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया था, बाकी प्रेम दवे जी ने काफी कुछ बता दिया है कि हम लोग अगर सरकार से भी निवेदन करें या हम अपने आप से भी इस तरह की एक प्रथा अगर चालू की जाए कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्थाओं में इनको सिखाने के लिए गुणीजनों को का साथ लिया जाए,
अच्छे गुणी जनों से शिक्षा दी जाए और प्रत्येक बच्चे को जिस तरह साउथ में है या और भी कई क्षेत्रों में है, इस तरह का एक बना दिया जाए कि ये कंपलसरी है। हम लोगों के जमाने में, हम लोग जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय संगीत भी हुआ करता था, नृत्य भी हुआ करता था, उस समय सब शिक्षाएं चलती थी, कक्षाएं भी चलती थी, सब कुछ चलता था। लेकिन अभी देखा था कुछ सालों से नृत्य की शिक्षाएं बंद कर दी गई थी, तो कॉलेज में म्यूजिक की कक्षाएं चल रही थी, नृत्य की कक्षाएं नहीं थी। तो इस तरह से ही क्या है कि हम अब इसका संरक्षण कैसे करें, जो हमारी इतनी मूल्यवान, हमारी जो संगीत और नृत्य की विधाएं हैं, शैलियां हैं, जो हमारी नृत्य की जो इतनी 7-8 शैलियां जो हमारे नृत्य की हैं, उसके अलावा लोक कलाओं की जो शैलियां हैं, आपने देखा होगा कि गांव के अंदर हमारा जो चंग है, गींदड़ है, चंग है, गींदड़ है, ये गांव में किस तरह, उन्हें कौन सिखाने आता है, वो अपनी शैली से देखिए कितना सुंदर नृत्य करते हैं। तो वो गींदड़ नृत्य के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि गींदड़ नृत्य क्या है, चंग नृत्य क्या है, चंग के ऊपर नृत्य करते हैं, डांडियों से बड़े बड़े डंडों से गींदड़ नृत्य करते हैं। तो इस इन सब चीजों के लिए जगह जगह पर, समय समय पर वर्कशॉप होनी चाहिए। तो वर्कशॉप का मतलब है मेरा कि जिस तरह से आप जो प्राइवेट संस्थाएं लेके बैठे हैं, उससे भी हम लोगों को आगे आना चाहिए, उन बच्चों को वहां उस चीज की शिक्षा देनी चाहिए। शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ लोक नृत्यों की भी शिक्षा मिले, लोक नृत्यों के साथ साथ कथक की भी शिक्षा मिले और शैलियों में भी मिले। हमारे जैसे भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, कथकली है, तो इनकी भी शिक्षा मिले, इनका इनकी भी वर्कशॉप लगे। ये नहीं है कि हमारे बाहर से जो लोग आ रहे हैं और यहाँ हमारे को देखने को मिलता है जवाहर कला केंद्र में, जैसे बाहर के कलाकारों को बुलाते हैं और यहाँ कार्यक्रम किया जाता है, तो यहाँ के कलाकारों को भी बाहर भेजना चाहिए कि वो उनके कलाकारों से भी, गुणीजनों से भी, वो भी अवगत, उन्हें भी अवगत कराना चाहिए। तो जब हमारे गुणीजन अपनी चीजें इतनी अपने अंदर लेके जब बैठे हुए हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इस कला के संरक्षण के लिए हम सब उनके पास जाएं और इस विधा को और आगे लाने का और सुरक्षित करने का और संरक्षण करने का इसका हम ये बीड़ा उठाएं। तो ये मीनाक्षी जी, आप लोगों ने जो कार्यक्रम रखा, ये चर्चा रखी, बहुत ही सुंदर चर्चा रखी है और ये इस चर्चा से हमें बहुत कुछ सुनने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है। हम लोग देखते हैं कि मंच के ऊपर बच्चे आते हैं और ज्यादातर ये होता है कि मेरी बच्ची ने तो 6-7 सर्टिफिकेट ले लिए, मैं 6 साल की अभी तक इसने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब उनको कराते हैं तो पता लगता है कोई बच्ची उल्टा पैर चला रही है, कोई अपनी शैली, पता नहीं कौन सी शैली कर रही है, पता नहीं। अच्छा, आजकल आपने देखा है कि किसी भी नृत्य के लिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि परिवर्तन, जो हम बात कहते हैं कि परिवर्तन, ये बीच में गैप आ गया है। हाँ सत्यजीत जी, कंटिन्यू करें, आप करें, मीनाक्षी जी इनको कॉल कर लें, अंकिता जी को। ओके, उषा श्री मैम, बहुत उपयोगी बातें आपने बोली। वास्तव में ये जो अभी हमारी लोक संस्कृति में, नृत्यों में परिवर्तन आ रहे हैं, इन परिवर्तनों को दूर करने के लिए खुद हमको ही आगे आना होगा। जिनमें से जो अच्छे परिवर्तन है उन्हें हम आत्मसात करें और जो परिवर्तन हमारी मूल शैलियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उन्हें हम स्वयं ही अपने स्तर से नकारें। दूसरा, आपकी एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि नृत्य का प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षा का भी एक हिस्सा बना दिया जाना चाहिए और स्कूल से ही बच्चों को लोक नृत्यों का, शास्त्रीय नृत्यों का एक प्राथमिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जब तक हम सरकार से ही अगर ये उम्मीद करते रहें कि वो ही कुछ हर कार्य में, हर चाहे वो नृत्य संगीत का क्षेत्र हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कि इसके संरक्षण के लिए सरकार अपने कदम उठाए, तो हमको हम ये मानकर चलें कि हम उस अपने दायित्व को सरकार के ऊपर टाल रहे हैं। हमें भी अपने घर से शुरुआत करनी होगी, अपने बच्चों को नृत्य विधाओं
शिक्षा, संगीत शिक्षा, इन सब से जोड़ना पड़ेगा। इसका एक सबसे बड़ा फायदा और भी है, जो आपने बोला कि संगीत भी अपने आप में एक स्कूल है, और संगीत नृत्य ये वो विधा है जो कि हमें अनुशासन में रहना सिखाती हैं। तो इसके साथ ही मैं वरिष्ठ चित्र गुरु डॉक्टर गीता रघुवीर मैम के पास आना चाहूंगी। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्यों के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, और महिलाओं के साथ चूंकि इन क्षेत्रों में पुरुषों का भी वर्चस्व है, तो उनसे हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? गीता मैम, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को इस अवसर पे आपने याद किया। ये बहुत ही अच्छा दिन है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। मुझे याद आ रहा है कि मेरी सबसे पहली जो बुक है वो भी इसी दिन पब्लिश हुई थी, आज से 10 साल पहले। अरे बहुत बहुत बधाई मैम, ये दिन तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया है। मेरा जो टॉपिक है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों के विकास में महिलाओं का योगदान, उससे पहले मैं थोड़ा सा टच करना चाहूंगी, प्रेम को बताऊंगी कि प्रेम ने जो इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है कि हमारा इतिहास क्या कहता है। इतिहास के अनुसार जब हम जाते हैं तो इसमें स्त्रियों को और पुरुषों को बराबर मान्यता दी जा रही। देखिए, पहले जो हमारी जो चित्रांकन हुए हुए हैं, हमारे जो स्कल्पचर है, वो सब में आप देखोगे कि लेडीज फिगर्स, जेंट्स फिगर्स सभी हैं। हमारे इतने सारे मंदिर हैं, जो भी एग्जाम्पल्स प्रेम ने दिए हैं, सब में स्त्रियों का और पुरुषों का बराबर उल्लेख है। पर बीच में जो फेज आया, जो हमारे इतने सारे इन्वेजन्स हुए, शायद उसकी वजह से हमारे जो सोशल पैटर्न में एक परिवर्तन आया है। स्त्रियों को घर के अंदर 4 दीवारी में बंद कर दिया गया, तो नेचुरली उसके साथ उनकी सारी कलाएं बिल्कुल 4 दीवारी में सिमट गई। उनको न तो शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती थी, ना उनको नृत्य करने की, ना उनको संगीत सीखने की। इसलिए वो जो एक एक इतना बड़ा गैप आ गया, अब इनको रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है। अभी भी जब मैंने नृत्य करना शुरू किया, आज से 60 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ, तो ये था कि गीता तुम डांस सीखने क्यों जा रही हो, दैट इज नॉट समथिंग टू बी लर्न्ड। क्योंकि मैं एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, सेंट एंजेलास में, तो सबका ये था कि तुम डांस क्यों सीखना चाहती हो, तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं, यू गो इन मेडिकल लाइन, ये सब क्या है। पर वो किसी तरह, आई डोंट नो, हमारी फैमिली में तो कोई करता नहीं था, फिर भी एक रुझान था, इसलिए मैंने सीखना शुरू किया। इसको मैं अपना करियर बनाऊंगी, या इतना इसमें इस चीज को आत्मसात कर लूंगी, या इतना इसमें डूब जाऊंगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कला एक ऐसी चीज है, वो धीरे धीरे अपने आप को आपके ऊपर हावी होने लग जाती है, मुझे लगता है। आप अगर चाहें कि भाई आज डांस की क्लास में नहीं जाना, तो ऐसा होता नहीं था। हम शादी में नहीं जाते थे, पर डांस की क्लास में जरूर जाते थे। तो ये इतनी खूबसूरत कला है, जिसकी अभिव्यक्ति मानव की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति मानी जाती है। बाकी सारी कलाओं से भी खूबसूरत माना जाता है, संगीत है, चित्रकला है, स्कल्पचर है, ये इन सारी कलाओं से भी आई थिंक नृत्य कला जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ कला है। इसमें सभी कुछ, संगीत का पूरा एक संयोजन होता है, गायन वादन नर्तन से ही पूरा संगीत बनता है। अगर हम सोचें कि महिलाओं का विकास, तो मैं आपको एक बताना चाह रही हूँ। अभी मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी, एशियन एज, तो शोरेन लोवेन करके जो लेखिका है, उसने अपने आर्टिकल में लिखा है कि न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशों में भी नृत्य के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ था। स्टिग्मा यानी कि विच इज समथिंग दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, और इस कला को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। अगर किसी को यह पता चलता था कि हाँ भाई इस परिवार में कोई डांस करता है, तो उनके डोर स्टेप्स पे आके लोग बाग थूक के जाते थे। मतलब दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आउटसाइड इंडिया, इवन इन वेस्टर्न। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि इसमें महिलाओं की क्या गलती थी, उनको क्यों अपनी कला से इतना दूर रखा गया। पर हम अपने समाज से इसको दूर नहीं कर सकते, जो भी सामाजिक स्थितियां बनी हैं उसके अनुसार हमें, उसके आधार पे हमने अपनी जो भी है गतिविधियां वो सारी उसी के अधीन कर दी। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने आज से आई थिंक 100 साल पहले एक बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया, बहुत ही ऐतिहासिक कदम भी उठाया,
जबकि उन्होंने शांति निकेतन में डांस को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद से धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगा। जो इतनी सारी जो हमारी स्त्रियों के साथ जो कुरीतियां जुड़ी हुई थी, जैसे पर्दा सिस्टम है या जैसे सती प्रथा है या जैसे दहेज प्रथा, ये सारी स्त्रियों की हीनता को ही दर्शाती है। पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट स्त्रियां जो हैं वो कितना लड़ेंगी। सो वही स्थिति हमारे नृत्य की भी हुई। तो महिलाओं को योगदान जो शुरू में इतना खूबसूरत हर क्षेत्र में जो आगे रहती थी वो धीरे धीरे उसमें खास आता गया और इसको हमने वापस रिवाइव किया है। पीपल लाइक रुक्मणी देवी अरुणडेल, मेनका, मैडम मेनका, मृणालिनी साराभाई, ये पिछले 100 वर्षों में जो इसकी उन्नति हुई है वो आज हमें स्टेज पे नजर आती है। आज जब हम कोई कार्यक्रम देखने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे स्कूल्स खुले हुए दिखते हैं हमें जो कि नृत्य की शिक्षा देते हैं। अदरवाइज हमने कभी भी स्कूल में कोई डांस सीखा नहीं क्योंकि डांस वॉज नॉट अ सब्जेक्ट। कॉलेज में भी डांस वॉज नॉट अ सब्जेक्ट। आज यूनिवर्सिटी में भी डांस एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। जब मैं कनोडिया कॉलेज में पढ़ा रही थी मैंने बहुत कोशिश की कि यूनिवर्सिटी में म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट तो खुल गया, वाई नॉट डांस, पर कोई एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं था कि डांस को एज अ सब्जेक्ट क्यों आप इंट्रोड्यूस करना चाहते। दिस इज टॉकिंग अबाउट ओनली 40 ईयर्स पीछे, जब मैं कनोडिया कॉलेज में लेक्चरर थी तब की बात मैं बता रही हूँ। तब डॉक्टर उनिथान थे और उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। आज जो स्थिति है, आज पिछले 5 साल से डांस को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। आई थिंक प्रेम वुड एग्री विद दिस कि उसमें भी इन लोगों ने कितनी मशक्कत की होगी। बहुत ड्रामेटिक्स, म्यूजिक, ये सब कुछ है पर डांस नहीं था। डांस नॉट ओनली एज कथक, कथक क्योंकि मेरा क्षेत्र है इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि कथक ही होना चाहिए था, पर नृत्य एज अ सब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो इंट्रोड्यूस होना चाहिए ना। आज स्कूल्स में भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाने लगा है तो हम इसका विकास अब थोड़ा देख रहे हैं कि उन्नति कर रहा है। अब लोक नृत्यों में स्कूल्स में जब हम देखते हैं तो लोक नृत्यों की जगह बॉलीवुड डांसेस होते हैं। जब हम डांस कॉम्पिटिशन वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हो लोक नृत्य तो हो जाते हैं कम पर उसमें बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी ले लेते हैं और उस स्टाइल को ले लिया जाता है। जो फोक डांस की जो एक शुद्धता है, जो एक क्लीनलीनेस है, जो उसका क्या कहना चाहिए प्यारापन है, वो दृष्टिगोचर नहीं होता। उसका जो ड्रेस है वो भी चेंज हो गया है, उसका जो म्यूजिक है वो भी चेंज हो गया है। तो इन सबको जैसे कि अभी उषा श्री ने कहा इनका संरक्षण होना बहुत आवश्यक है और इसका मीडियम जो है मुझे लगता है कई बार कि हम आजकल वीडियोस वगैरह इतने बनाने लगे हैं तो अच्छे अच्छे कलाकारों के वीडियोस क्यों नहीं बना सकते हम। उनका वीडियो बनाया जाए, उनके संगीत का वीडियो बनाया जाए, जो फोक आर्ट का जो एक पैटर्न है उसका वीडियो बनाया जाए। जब मैं कथक केंद्र में थी तो मैंने कहा था कि मेरे पास इतनी सारी बंदिशों का संकलन है, बड़े बड़े गुरुओं का मैंने बंदिशों का रिकॉर्डिंग करा था और उसको संकलित किया था मैंने अपने पीएचडी थीसिस के लिए। वो आज तक कथक केंद्र ने कभी नहीं पूछा कि वो कहाँ गया मैडम आपका। तो संरक्षण के नाम पे क्या कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब वो कैसेट जो मैंने बनाया था वो अब पता नहीं अवेलेबल है या नहीं है। अब मेरे पास तो वो कैसेट प्लेयर भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि सारे ये पुराने हो गए इंस्ट्रूमेंट्स। उसको अगर मैं रिवाइव करना चाहूँ तो कैसे करूँगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे सामने भी। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्यों में देखें तो हम स्त्रियों का योगदान क्या था, मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट गई हूँ क्योंकि इतना सब कुछ बोल लिया है सबों ने। ये विधा ही ऐसी है। हाँ बिल्कुल, शास्त्रीय नृत्य अगर देखा जाए तो जब हमने सीखना शुरू किया था तो देवर ओनली 4 क्लासिकल डांस, कथक, कथकली, भरतनाट्यम और मणिपुरी। इन तीन चारों नृत्य शैलियों में केवल भरतनाट्यम के अलावा बाकी तीनों मेल ओरिएंटेड डांसेस थे, डांस फॉर्म्स, यहाँ पर कि सारे गुरु मिलते थे, कोई भी गुरुवाणी नहीं मिलती थी हमें सिखाने के लिए। मुझे अगर सीखना हो तो किसी नृत्य गुरु से ही सीखना पड़ेगा और उन दिनों में स्त्रियों का घर से निकलना, किसी पुरुष के पास जाना, ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो सीखने में भी लोग बाग हिचकिचाते थे और सिखाने वाले लोग तो खैर उनमें तो प्रॉब्लम था ही क्योंकि उस समय भी ये था कि हम अपने ही घर के जो कलाकार थे, घर के जो बच्चे थे उन्हीं को सिखाते थे।
ये जो कला है ये किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, ये हमारे ही दायरे में रहनी चाहिए। तो बहुत सारी समस्याएं हैं इसमें स्त्रियों का योगदान देने के लिए, पर धीरे धीरे ये जो फोक आर्ट्स थे जैसे अब छाऊ नृत्य है या मोहिनी अट्टम है या कुचिपुड़ी है, ये सारे धीरे धीरे फोक आर्ट से अब क्लासिकल डांसेस के अंदर कैटेगराइज होने लग गए। ये जो नौ विधाएं आज मानी जाती हैं पिछले 50 साल में ये उभर के एकदम क्लासिकल ट्रू फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांसेस के अंदर आ गई हैं। पर ये इसमें भी आप देखोगे कि बहुत सारे पुरुषों से ही आई, कथकली में पुरुष ही स्त्रियों का पार्ट करते थे क्योंकि इट वॉज अ नाट्य, उसमें लीलाएं होती थी, उसमें कहानियां होती थी, तो कहानी में नारी पात्र तो होएगा ही, पर वो स्त्री नहीं होती थी, वो पुरुष ही होती थी। सो सबके सब नृत्य कलाएं वगैरह पुरुष प्रधान ही रही है। इन बेड़ियों को तोड़ के और आगे आने के लिए एक बहुत ही बड़ा साहसी कदम चाहिए। जो आज डांस के फील्ड में जो लेडीज काम कर रही है, जो स्त्रियां काम कर रही है, मैं उनके लिए हैट्स ऑफ कहती हूँ क्योंकि उन्होंने वाकई में बहुत ही संघर्ष किया होगा इस स्थान तक आने के लिए। आज हम देखते हैं कि शशि भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चला रही है और उषा श्री भी चला रही हैं, और मैं सबके नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर फिर भी इन लोगों ने अपने जीवन काल में मतलब कितना संघर्ष किया होगा टू ओपन एन इंस्टीट्यूट ऑफ डांस। जहां पर हम थे उस समय केवल एक या दो इंस्टीट्यूट थे, आज हम देखते हैं कि जयपुर में कम से कम 20-25 इंस्टीट्यूट हैं जो कि नृत्य विधा सिखा रहे हैं। स्टेज प्रेजेंटेशन की जहां बात आती है, हम अपनी लड़कियों को डांस सिखाते हैं और उनको बोलते हैं शादी ब्याह में नाच लो, पर जैसे ही स्टेज की बात आती है, जैसे ही कहीं बाहर जाने की बात आती है, तो हम कहते हैं नो बेटा, अपने घर में रखो इस विधा को, बाहर जाके क्या करोगे। उस दायरे से हमें निकल के बाहर आना है, तभी हम इसको प्रोत्साहन मिल पाएगा इस कला को, और हम इस दायरे से बाहर आ पाएंगे और इन विधाओं को संरक्षण मिलेगा। आपसे जब उस दिन जिक्र हो रहा था तो आपने ही बताया था कि बाहर जो टीम्स जाती हैं फॉरेन में, जो हम इतने सारे कल्चरल डेलीगेशंस वगैरह भेजते हैं, उसमें भी पुरुष प्रधानता होती है। डांस की मैंने केवल एक ही नाम सुना है, गुलाबो, जो कि नृत्य किया करती थी और जिसका कि बहुत ही ज्यादा कालबेलिया नृत्य बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। उसके अलावा मतलब कोई भी ऐसे स्त्रियों की टीम हमने नहीं सुनी जो कि देश विदेशों में जाके जिन्होंने कि नृत्य का प्रस्तुतिकरण दिया। तो अब इसका तो समाज ही देगा हमें उत्तर कि हम इसको किस तरह से आगे बढ़ाएं और किस तरह से इनका विकास हो। महिलाएं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से चेष्टा कर रही हैं, किसी न किसी तरह हम ये चाह रहे हैं। देखो शादी हो जाने के बाद भी मतलब फिजिकल जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप डांस नहीं कर सकते हो, फिर बच्चा छोटा होता है तब आप डांस नहीं कर सकते, पर उसके साथ भी हम फाइटिंग करके, हमें इन लॉस से भी फाइटिंग करनी पड़ती है कि नहीं नहीं प्लीज हमें करने दीजिए। तो वो सारे जो संघर्ष हैं वो महिलाओं के साथ जुड़े हुए, पुरुषों के साथ नहीं है कि भाई शादी के बाद तुम्हारा कला जो है वो छूट जाएगी। तो महिलाओं का योगदान होते हुए भी कोई योगदान नहीं है, क्योंकि जो सारी हमारी जो धरोहर है वो हम अपने में ही आत्मसात किए हुए हैं और उन्हीं को लेके चले जाएंगे हम इस दुनिया से। उनका कहीं भी न तो जैसे कि किताबें लिखना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि द्वारा ये नृत्य की जो विधा है उसको संरक्षण दिया जा सके। बहुत सारे बंदिशें ऐसी हैं जिनको कि हमने लिपिबद्ध किया है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके कि द्वारा हम इस कला का संरक्षण कर सकते हैं। और आई थिंक मैंने अपनी सबसे पहली किताब इसीलिए लिखी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये आर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इतनी जो बंदिशें मैंने अपने गुरुजी से सीखी हैं या मैंने जो और कलाकारों के बीच में रह के गुरु सुंदर प्रसाद जी से, गुरु मोहन राव कल्याणपुरकर जी से, श्रीमती सितारा देवी से, उनसे छोटी छोटी सी बंदिशें ही प्राप्त की हैं, पर वो इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उनको हम अगर लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो वो किसी सेकेंड जनरेशन तक जाएगी ही नहीं, तो इसलिए उनका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। दूसरा, आपने ये बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन के माध्यम से नृत्य को पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में उतारा, बहुत खूबसूरत बात लगी है। दूसरा, आपने ये भी बहुत सही बोला मैम कि हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं, जितने भी बिना हमारे जीवन के कार्यक्रम है, सांस्कृतिक उत्सव है, सब में महिलाएं ही आगे हैं
वो हमारे लोक गीतों को नृत्यों को सजोए हुए हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे नेतृत्व की बात आती है या ग्रुप के जो हम एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में भेजते हैं, तो समूह का नेतृत्व कभी भी कोई महिला नहीं करती। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत रिसर्च का भी एक विषय रहा कि महिला लोक कलाकार असल मामले मायने में अपनी संस्कृति की वाहक हैं, उसको जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें उनके नाम इतने कम सुनने में आते हैं जितने कि हम पुरुष कलाकारों के सुन लेते हैं। बिल्कुल मैम, अब आप तीनों विदुषियों को सुनने के बाद सार रूप में मैं अपनी तरफ से दो ही पंक्तियां कहना चाहूंगी कि भावों की अभिव्यक्ति है नृत्य, आत्म अभिव्यक्ति है नृत्य, अहंकार का त्याग है नृत्य, ईश प्राप्ति का मार्ग है नृत्य। बहुत बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा रही और मैं आप तीनों ही वरिष्ठ नृत्य गुरुओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतना कीमती समय हमें दिया और अपने ज्ञान का खजाना हमारे साथ साझा किया। इन सबके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम ये ना भूलें कि हमें कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, घर में रहना है, स्वस्थ रहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। City Live, a platform to sharing your thoughts.